ओके अब हम देखेंगे हेमरेज एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ हेमरेज टाइप्स एंड इट्स मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले हेमरेज, हेमरेज का सिंपल मतलब होता है ब्लड लॉस। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले उसके पाँच टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट, टाइम ऑफ ऑनसेट थर्ड है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हेमरेज फोर्थ है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज और लास्ट है बेस्ड ऑन इंटरवेंशन, पॉसिबल इंटरवेंशन मतलब सर्जिकल कॉज। तो बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हेमरेज के तीन टाइप हो सकते हैं, एक्यूट आर्टीरियल हो सकता है, वीनस हो सकता है और एक कैपिलरी हो सकता है। अब जो आर्टीरियल होगा उसका ब्लड होगा ब्राइट रेड और जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, स्पॉटिंग लाइट लाइक जेट अलॉन्ग विद द पल्स ऑफ द पेशेंट, मतलब कंटिन्यूस फ्लो में ही होगा, ऐसे पल्सेटाइल मैनर में निकलेगा। ओके, आर्टीरियल ब्लड जो होगा फर्स्ट, फिर दूसरा है वीनस ब्लड, वीनस ब्लड डार्क रेड होगा, आर्टीरियल ब्राइट रेड, वीनस डार्क रेड होगा, कंटिन्यूस फ्लो होगा, स्टेडी एंड कंटिन्यूस फ्लो। जो वीनस ब्लड में जो ब्लड लॉस होता है वो ज़्यादा रैपिड होता है कम्पेयर टू आर्टीरियल। ओके, ब्लड लॉस इन वीनस इज रैपिड कम्पेयर टू आर्टीरियल। थर्ड है कैपिलरी, कैपिलरी का भी ब्राइट रेड होगा, इसमें भी ब्लीडिंग रैपिड होगी, कंटिन्यूस फ्लो होगी और रैपिड होगी, लेकिन ये इजीली कंट्रोल हो जाता है अपने आप ही या फिर कोई प्रेशर अप्लाई करने से। तो ये हो गया पहला सोर्स, आर्टीरियल वीनस एंड कैपिलरी। सेकंड है टाइम ऑफ ऑनसेट, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट। तो एक को ये टाइम ऑफ ऑनसेट हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से, मतलब जब हमने अगर कोई प्रोसीजर की होगी तो कितने टाइम बाद हेमरेज स्टार्ट हुआ। तो इसमें हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, रिएक्शनरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है, अगर हेमरेज हुआ विद एट द टाइम ऑफ इंजरी या फिर ऑपरेशन। ओके, प्राइमरी हेमरेज तब होता है विच इज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऑपरेशन या फिर इंजरी, ये हो गया प्राइमरी एट द टाइम ऑफ इंजरी या फिर ऑपरेशन। फिर रिएक्शनरी वो होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, जनरली 4 टू 6 आवर में होता है। उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, एक हो गया कफिंग होगा, फिर वो स्ट्रेनिंग होगी, वोमिटिंग होगी, रेस्टलेसनेस, बीपी इंक्रीज होगा तब हो सकता है, जो लाइगेचर मतलब हमने जो सूचर लगाया था वो मतलब निकल जाए उसकी वजह से हो सकता है, क्लॉट डिसलॉजमेंट हो सकता है, ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होंगे। फिर कॉमन कॉज क्या होंगे, तो सारी जितनी भी मोस्ट कॉमन सर्जरी है लाइक थोरेसिक सर्जरी, टॉन्सिलेक्टोमी जो मोस्ट कॉमन होती है, हाइड्रोसिस सर्जरी, सर्कमसीजन, कोलेसिस्टेक्टोमी, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, ये सारी सर्जरीज होती है जिसमें हो सकता है रिएक्शनरी हेमरेज विद इन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, ये हो गया दूसरा। थर्ड है इस सेकेंडरी हेमरेज, ये कब होता है, विद इन 14 डेज आफ्टर सर्जरी। ओके, विद इन 14 डेज आफ्टर सर्जरी, और कॉजेज क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेशर ड्रेन या फिर कोई मैलिग्नेंसी की वजह से। ये हो गए बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग एनी सर्जरी। ओके, दो क्लासिफिकेशन देख लिए, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग एंड बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट। अब थर्ड है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हेमरेज, मतलब हमें हेमरेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसकी भी बेसिस पे। तो एक है रिवील्ड हेमरेज, जिसमें हम हेमरेज को देख सकते हैं, इट इज़ विजिबल एक्सटर्नल हेमरेज। फिर है कंसील्ड हेमरेज, कंसील्ड हेमरेज मतलब इंटरनल हेमरेज, हमें दिख नहीं रहा है एक्सटर्नली, ये कोई एब्डोमिनल इंजरी होगी या फिर कोई इंटरनल ऑर्गन इंजरी होगी उसमें हो सकता है कंसील्ड हेमरेज या इंटरनल हेमरेज, लाइक लीवर इंजरी, स्प्लीन इंजरी, फीमर का फ्रैक्चर, सेरिब्रल हेमरेज, हीमोथोरेक्स, ये सब में होगी इंटरनल हेमरेज या कंसील्ड हेमरेज। फिर है इनिशियली कंसील्ड बट लेटर रिवील्ड, मतलब पहले अंदर इंटरनल हेमरेज हो जाएगी, बाद में वो एक्सटर्नली हमें पता भी चलेगा कि नहीं हेमरेज हुआ है। तो सबसे पहले हम हिमेचूरिया देखेंगे, मतलब हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, सबसे पहले अंदर ब्लड ब्लीडिंग हुई होगी। ओके, सबसे पहले इंटरनल हेमरेज होगा, उसके बाद ही जो ब्लड होगा वो यूरिन के साथ बाहर आएगा, मतलब बाद में ही रिवील्ड हेमरेज होगा। सबसे पहले कंसील्ड हेमरेज होगा, फिर रिवील्ड हेमरेज होगा। तो हिमेचूरिया है, हिमेटमेसिस मतलब खून की उल्टी, फिर है मिलेना, ये हो गए थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हेमरेज। फिर है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज, ये मोस्टली जी एक्यूट हेमरेज, क्रॉनिक हेमरेज, फिर एक्यूट ऑन क्रॉनिक हेमरेज। एक्यूट हेमरेज ऑब्वियसली सडन सीवियर हेमरेज आफ्टर ट्रॉमा या फिर सर्जरी, ये एक्यूट हेमरेज। फिर क्रॉनिक हेमरेज मतलब बहुत टाइम से हेमरेज हो रहा था फॉर लॉन्ग पीरियड, लाइक हेमरॉइड्स, अल्सर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, अल्सर हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। अब ये क्रॉनिक हेमरेज हो रहा था तो पेशेंट ऑब्वियसली हाइपोक्सिक होगा और अनेमिक होगा, क्रॉनिक हेमरेज पेशेंट में भी हाइपोक्सिक एंड अनेमिक,
सो करेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूशन, पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूशन। थर्ड है एक्यूट ऑन क्रॉनिक हेमरेज। इसमें क्या होता है, सपोज कोई अल्सर है तो वो क्रॉनिकली ब्लीड तो कर ही रहा था, कोई अल्सर क्रॉनिकली ब्लीड तो कर ही रहा था, लेकिन अगर सीवियर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया और वो सडनली ज़्यादा ब्लीड करने लगा तो उसे हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक हेमरेज। इट इज़ मोर डेंजरस एज द ब्लीडिंग ऑकर्स इन इंडिविजुअल हु आर ऑलरेडी हाइपोक्सिक। क्या क्रॉनिक हेमरेज, उसमें पेशेंट ऑलरेडी हाइपोक्सिक होगा, उसके ऊपर से एक्यूट हेमरेज भी होगा, ये बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज। अब लास्ट है बेस्ड ऑन पॉसिबल इंटरवेंशन, वो हो सकता है सर्जिकल हेमरेज या फिर नॉन सर्जिकल हेमरेज। सर्जिकल हेमरेज हम अगर को सर्जरी कर रहा था वो होता है, और नॉन सर्जिकल हेमरेज मतलब पेशेंट को पहले से ही कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोएगुलोपैथी है, लाइक DIC, कोई क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होता है उसकी वजह से। ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेज। सबसे पहले बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, उसमें आर्टेरियल वीनस और कैपिलरी। फिर है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, उसमें प्राइमरी इमीडिएटली, प्राइमरी जो इमीडिएटली होता है, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी के बाद रिएक्शनरी विद इन 24 आवर्स और सेकेंडरी विद इन 14 डेज। फिर है बेस्ड ऑन टाइप, मतलब कंसील्ड रिवील्ड, फिर इनिशियली कंसील्ड एंड लेटर रिवील्ड। फिर ड्यूरेशन एक्यूट क्रॉनिक एंड एक्यूट ऑन क्रॉनिक। लास्ट है बेस्ड ऑन पॉसिबल इंटरवेंशन, सर्जिकल या फिर नॉन सर्जिकल। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमरेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले ब्लीडिंग हुआ, फिर हाइपोवॉलीमिया होगा पेशेंट को, इसके लिए लो कार्डियक आउटपुट होगा, फिर टैकीकार्डिया हो सकता है, इसकी वजह से टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, हाइपोवॉलीमिया मतलब पेशेंट हाइपोक्सिक होगा, हमने वो देखा था, और इसकी वजह से इस्केमिया भी हो सकता है, अदर कॉम्प्लिकेट। अब हेमरेज में जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी जो हमें देखने को मिलती है वो इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है। ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी सीन इन हेमरेज विच इज़ हाइपोनेट्रेमिक हाइपरकैलेमिक हाइपोकैल्सिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके फिर से हाइपोनेट्रेमिक हाइपरकैलेमिक हाइपोकैल्सिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है। लास्ट बार हाइपोनेट्रेमिक हाइपरकैलेमिक हाइपोकैल्सिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक सिंड्रोम देखने को मिलता है विच इज़ सिकल सेल सिंड्रोम। फिर एक ये ट्रायड याद रखने का है विच इज़ लीथल ट्रायड। लीथल ट्रायड में कौन से तीन कंपोनेंट आएंगे, एक हो गया हमने देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर दूसरा है हाइपोथर्मिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपोथर्मिया एंड प्रोग्रेसिव कोएगुलोपैथी, ये हो गए लीथल ट्रायड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपोथर्मिया और प्रोग्रेसिव कोएगुलोपैथी। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें तो उसमें ऑब्वियसली पेलर होगा पेशेंट में, थर्स्टी होगा और साइनसिस होगा, टैकीकार्डिया टैकीपनी हमने पहले ही देखा, जो स्किन होगी वो कोल्ड हो गई होगी, कामी स्किन ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, ड्राई माउथ ड्राई फेस, हाइपोटेंशन, पल्स होगी वो रैपिड होगी, ओलिगूरिया हो सकता है, और कॉजेस जो हेमरेज की कॉज है उसके भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, तो उसमें हमें टोटल चार चीज़ें देखनी होती है, एक होती है पल्स, दूसरी होती है ब्लड प्रेशर, उसमें भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, और लास्ट में शॉक इंडेक्स। पल्स कितनी मोर देन 100 पर मिनट, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 100 mmHg, डायस्टोलिक बीपी का डिफरेंस ऑन स्टैंडिंग एंड सिटिंग इज मोर देन 10 mmHg, और लास्ट में शॉक इंडेक्स, जिसका नाम याद रखना शॉक इंडेक्स मोर देन 1। ओके फिर से एक बार, पल्स मोर देन 100, बीपी उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर लेस देन 100 mmHg, फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस ऑन स्टैंडिंग एंड सिटिंग मोर देन 10 mmHg, लास्ट में शॉक इंडेक्स मोर देन 1। फिर एक है मेजरमेंट ऑफ ब्लड लॉस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक रेंज फैक्टर दिया हुआ है जिसमें हम टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर अज्यूम कर सकते हैं। जो स्वैब होता है उसको हम वेई करेंगे बिफोर एंड आफ्टर यूज़, मतलब ब्लड क्लीन करने के पहले हम वेई करेंगे और ब्लड क्लीन करने के बाद हम उसको वेई करेंगे, उसका डिफरेंस इंटू 1.5। ओके फिर से डिफरेंस इन स्वैब वेट बिफोर एंड आफ्टर यूज इन ब्लड क्लीनिंग जो भी हो। ओके डिफरेंस इन स्वैब वेट इंटू 1.5 वो हमें दे सकता है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। फिर दूसरा पैरामीटर लाइक हीमोग्लोबिन PCV। ओके फिर कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन लाइक अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन डॉपलर, एंजियोग्राम, सिटी स्कैन, ये सब, ये मेजरमेंट ऑफ ब्लड लॉस। फिर इफेक्ट ऑफ हेमरेज क्या क्या होगा, मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमरेज, तो एक हम कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे रीनल, फिर कार्डियक, फिर GIT,
रीनल कार्डियक GIT और लास्ट में शॉक। अब रीनल में एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, कार्डियक में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है, GIT में लीवर डिस्फंक्शन हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल मतलब GIT म्यूकोसल इस्चीमिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, फिर एक लंग रह गई, लंग में भी इडिमा हो सकता है, AV शंटिंग हो सकता है विच कैन लीड टू ARDS, फिर शॉक हो सकता है विच इज़ हाइपोवोलेमिक शॉक विच कैन लीड टू मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये हो गया कॉम्प्लिकेशन, हर एक सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन आएगी, लाइक रीनल, फिर कार्डियक, फिर GIT, शॉक और लंग्स। शॉक कौन सा? हाइपोवोलेमिक शॉक विच कैन लीड टू MODS। बाद में ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इमीडिएट रिसेसिटेशन करेंगे, मतलब पेशेंट को हेमरेज हुआ तो इमीडिएटली क्या मैनेजमेंट होगी, वो सबसे पहले होगी ABC, मतलब एयरवे मेंटेन करना, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये तीनों मेंटेन करना। सबसे पहले हम पेशेंट को देंगे ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ 15 लीटर्स पर मिनट, फिर हम हाइपोटेंशन को करेक्ट करेंगे बाय फ्लूइड थेरापी, और जो फ्लूइड देंगे वो कौन सा फ्लूइड होगा और कितने रेशियो में होगा, तो हम फ्लूइड दे सकते हैं वो या तो फिर फ्रेश वॉर्म होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, या फिर ये कंपोनेंट वाला फ्लूड हो सकता है, पैक्ड सेल, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट, इन तीनों का रेशियो 1:1:1, मतलब तीनों इक्वल अमाउंट में देना पड़ता है अगर ये कंपोनेंट दे रहे हो तो, या तो होल ब्लड दे सकते हैं या फिर पैक्ड सेल, FFP और प्लेटलेट्स इन रेशियो 1:1:1। फिर हेमरेज कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसके तीन पी है, प्रेशर, पैकिंग एंड पोजिशन, मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे, पैकिंग करेंगे मतलब अराउंड द साइट ऑफ हेमरेज, और पोजीशन मतलब लिम को एलिवेट करेंगे ताकि ब्लड लॉस कम हो, फिर रेस्ट एंड डैमेज कंट्रोल सर्जरी। अब एक्सटर्नल हेमरेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो सबसे पहले हमें वुंड एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना होगा। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वुंड एक्सप्लोरेशन, फिर एक बार जब वुंड मतलब साइट पता चल जाए हेमरेज की, तब हम करेंगे लाइगेशन ऑफ द स्मॉल वेसल या फिर सूचर करेंगे वेसल की वॉल को, एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ लोकल ऊज, ये लोकल वेजो कंस्ट्रिक्टिक या लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीसिल और ये बहुत सारे बोन वैक्स, ये हम कर सकते हैं टू मैनेज एक्सटर्नल हेमरेज। ये फर्स्ट स्टेप वुंड एक्सप्लोरेशन, सेकेंड इज प्रोसीजर्स लाइक लाइगेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स, एनास्टोमोसिस, सूचरिंग ऑफ द वेसल वॉल्स एंड लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट एप्लीकेशन। फिर वीनस हेमरेज का भी वही है, एलिवेशन ऑफ द लिम्ब, लाइगेशन ऑफ द वेन, सूचरिंग ऑफ वीनस वॉल, प्रेशर बैंडेजिंग, ये सब। फिर इंटरनल हेमरेज में हमें एक तो साइट डिटेक्ट करने, साइट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, लाइक CT स्कैन, एनजियोग्राम, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ये सब पहले करेंगे। फिर साइट पता चल गई, फिर हम आएंगे मैनेजमेंट, लाइक इंटरकोस्टल ट्यूब डालेंगे इन केस ऑफ हीमोथोरेक्स, इंटरकोस्टल ट्यूब डालेंगे इन केस ऑफ हीमोथोरेक्स, लेप्रोटोमी करेंगे फॉर लीवर या स्प्लीन इंजरी या फिर कोई भी एब्डोमिनल इंजरी की वजह से जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, फिर इंटरकोस्टल ट्यूब एंड लेप्रोटोमी। फिर आती है इंटर एब्डोमिनल पैक, लेप्रोटोमी करने के बाद हम एब्डोमिन में एंटर करेंगे, फिर हम इंटर एब्डोमिनल पैक डालेंगे टू द एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग टू कंट्रोल इट, टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। अगर लीवर में हुए तो हम लीवर के एरिया में पैक डालेंगे टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। फिर इसे हम एंडोस्कोपिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर एंजियोग्राफिकली, लेकिन मेन स्टेप्स ये हो गए, हीमोथोरेक्स में इंटरकोस्टल ट्यूब, एब्डोमिनल इंजरीज में हम सबसे पहले लेप्रोटोमी करेंगे, फिर उसके जरिए हम इंटर एब्डोमिनल पैक डालेंगे टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। फिर एक शॉर्ट वन मार्कर याद रखना, परमिसिव हाइपोटेंशन प्रिवेंट्स री ब्लीडिंग, परमिसिव हाइपोटेंशन प्रिवेंट्स री ब्लीडिंग। फिर ये अदर मेजर्स लाइक ऑक्सीजन सपोर्ट इंट्यूबेशन, ये हमने देखे, हमने वो एलिवेशन देखा था लिम्ब एलिवेशन विच इज ट्रेंड लैंडबर्ग पोजिशन, जिसमें हेड एंड होता है, मतलब हेड की साइड होती है वो नीचे होती है, फुट एंड होता है वो एलिवेट होता है, मतलब ऐसा होता है, तो ये हेड एंड होगा और ये फुट एंड होगा, फुट एलिवेट करेंगे। फिर रेस्ट एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन दे सकते हैं, टॉर्निकेट हम टाई कर सकते हैं टू कंट्रोल हेमरेज इन द लिम्ब, जो एज अ प्रेशर बैंडेज एक्ट करता है। फिर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर एबनॉर्मलिटी हुई है तो, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, वेंटिलेटर सपोर्ट, ये सारे अदर मेजर्स हो गए। और जो मेन चीज़ों की हमें ट्रीटमेंट करनी है वो है एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस करेक्ट करना, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैल्सीमिया और कोएगुलोपैथी, इनको भी ट्रीट करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज। सबसे पहले हमने कहा इमीडिएट रिससिटेशन, जिसमें था ABC,
ऑक्सीजन देते हैं, होल ब्लड दे सकते हैं या फिर FFP पैक्ड सेल एंड प्लेटलेट्स रेशियो 1:1:1। फिर कोएगुलोपैथी भी करेक्ट करनी पड़ेगी। फिर कंट्रोल ऑफ हेमरेज देखते हैं स्पेसिफिकली, तो प्रेशर, पैकिंग, पोजिशन, रेस्ट और भी डैमेज कंट्रोल थेरेपी। एक्सटर्नल में सबसे पहले वुंड एक्सप्लोरेशन, फिर लाइगेशन ऑफ स्मॉल वेसल, सूचरिंग ऑफ वॉल ऑफ वेसल, एनास्टोमोसिस, एप्लीकेशन ऑफ लोकल हिमोस्टेटिक एजेंट। वीनस में भी सेम ही है, इंटरनल हेमरेज में इंटरकोस्टल ट्यूब फॉर हीमोथोरैक्स, लेप्रोटोमी, फिर इंटर एब्डोमिनल पैक टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, फिर परमिसिव हाइपरटेंशन प्रिवेंट्स रीब्लीडिंग। अदर मैसेज में ऑक्सीजन, फिर ट्रेंड लाइन बर्ग पोजिशन देखी, फिर रेस्ट, एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन, टॉर्निकेट टू कंट्रोल हेमरेज इन द लिम्स, TPN, CVP मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, साथ में एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैल्शिमिया और कोएगुलोपैथी की भी ट्रीटमेंट। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ रिसजिटेशन, इसमें हमें पेशेंट मतलब एंड में क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे जब ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, तो पेशेंट को हमें वार्म रखना पड़ेगा टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। फिर करेक्शन ऑफ कोएगुलोपैथी, तो वो कैसे करेंगे, बाय फिब्रिनोजन इंजेक्ट करके 4 ग्राम एज द इनिशियल डोज, उसके बाद 50 mg पर kg। ट्रेनेक्जेमिक एसिड, वो भी एक बहुत अच्छा ड्रग है विच इज़ एंटी फिब्रिनोलेटिक एजेंट, जो क्या करता है फिब्रिनोलाइसिस नहीं होने देता, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन को फेवर करता है। ओके, कैसे करेंगे कोएगुलोपैथी, फिब्रिनोजन इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेनेक्जेमिक एसिड। ये है कुछ लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जेलेटिन स्पॉन्ज, कोलेजन पाउडर हो गया, ट्रॉपिकल थ्रोम्बिन, बोन वैक्स, ये सब हीमोस्टेटिक एजेंट्स। ये थी पूरी मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज।